बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉली टीवी। आज की बड़ी अपडेट ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में। तमाम रिटायर्ड पेंशनर्स को और तमाम सरकारी मुलाजमीन को बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है कि कोई नई अपडेट ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में। आज आपको मैं नई अपडेट ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता चूँ कि पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट में तो अभी तक ये केसेस बड़े चल रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से केसेस हैं, लेकिन पिछले दिनों सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला महफूज कर लिया ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में। वहाँ पे दो रिटें थी, आपको बताता चलूँ। एक रिट जो थी वो कराची में थी, जो प्रिंसिपल सीट पर थी, और दूसरी रिट जो थी वो सखर बेंच में, हाई कोर्ट सखर बेंच में थी, जिसका फैसला महफूज किया गया। और उस फैसले में क्या कहा गया आप उसको स्क्रीन पर भी देख सकते, लेकिन मैं आपको उसकी तफसील बताता चलूं। सखर हाई कोर्ट बेंच ने अपने फैसले में मौजूदा मुआहिदा ओब्लीग कानून की मौजूदगी में कोर्ट की मजबूरी जाहिर करते हुए पटिशनर को सूबा केपी के हवाला देकर अपने फैसला नंबर पैरा नंबर 11 में या पैरा नंबर 11 इसमें देख सकते हैं, इसमें वाजे तौर पर मशवरा दे के अपना मसला हल करवाने के लिए असेंबली से रजू करें। चूंकि सिंध के मौजूदा कानून को इस पटिशन में कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया, लिहाजा दो अल्फाज में रिटायर्ड मुलाजमीन इस हक को दबे अल्फाज में तस्लीम करते हुए दरख्वास्त गुजारों को असम्बली यानी वाज़ अक्सरियत हुकूमती अरकान की है से रजू करने का मशवरा देकर लाहौर हाईकोर्ट के महदूद इख्तियारात बताकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तो ये एक अच्छी खबर नहीं थी तमाम ग्रुप इंश्योरेंस वालों के लिहाज से, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी कि जो सिंध हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई बड़ा फैसला देगी, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ के फैसले का जिक्र ही नहीं किया गया। और इसमें क्योंकि ख़ास तौर पर इसमें जो रिट थी, पता नहीं किस किस्म की रिट उसमें तैयार की गई थी, उसमें ज़्यादातर ये बात काबिले गौर थी मेरे ख्याल में कि वहाँ पे केपीके में या बलूचिस्तान में असम्बली से ये सारे कानून पास करवाए गए, उसके बाद जाकर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो थी वो दी गई। तो हाई कोर्ट ने मेरा ख्याल है अपने फैसले में ज़्यादा यही सराहा कि आप इसको असेंबली में ले जाएं और असेंबली में इसका कानून पास करवाएं और उसके बाद आप ये रकम के हकदार होंगे। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक सिंध हाई कोर्ट कराची का बड़ा फैसला, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पे हज़ारों के हिसाब से रिटें पड़ी हुई हैं, उनका फैसला होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ह फैसला इंशाल्लाह ताला इस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगी और तमाम सरकारी मुलाजमीन को उनका हक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।